ध्यान दीजिए हम स्टॉक की बात कर रहे हैं और स्टॉक में भी पता है कौन सा क्लोजिंग स्टॉक अब ध्यान दीजिए अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की आपसे बात करूं तो इसके दो एस्पेक्ट हैं उन दोनों को समझ लिया जाए मैं आपके सामने दो साल का डेटा रखता हूं एक एग्जांपल के थ्रू चलिए मान लेते हैं ये 2010 और ये भी 2010 हजार दस दैट इज बैलेंस शीट और ये एंड ट्रेडिंग ट्रेडिंग पीएंडल कुछ भी कह लो ये आ गया 2011 और ये आ गया 2011 हजार ग्यारह दैट इज बैलेंस शीट और ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है मैंने यहां लिखा आपके सामने सेल्स पचास हजार सेल्स पचास हजार है और सपोज मैंने यहाँ पर एंड क्लोजिंग स्टॉक लिखा बीस हजार तो आप सिंपली बात करते हैं मान लेते हैं कोई खर्चा ही नहीं है इसके अलावा तो ये सत्तर होगा और ये भी सत्तर और पहले से मैं कैपिटल लेके चल रहा हूं पहले से मेरे पास दो लाख का कैपिटल था और इसमें अब जो भी यहां से प्रॉफिट आएगा सत्तर और तीस चालीस आएगा प्रॉफिट और ये प्रॉफिट यहाँ ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट कितने का यानी ये दो चालीस ठीक है अब इसके अंदर मजे की बात ये है कि मैं बताऊं कि इसके अंदर ना एरर है एरर है कि ये क्लोजिंग स्टॉक ना एक्चुअल मायने में देखा जाए जो ये क्लोजिंग स्टॉक है वो एक्चुअल मायने में आप मुझे बताना एक्चुअल था ये पंद्रह का तो क्या फर्क पड़ेगा कैलकुलेशन बताना तो मैं क्या पूछ रहा हूं कि अगर ये एरर है एरर क्या है कि मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिखना पंद्रह था और लिखा बीस ठीक है तो आप बताइए जो मैं इस साल लिखूंगा इस साल जब जाएगा तो ये वाला क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक बनेगा हाँ के ना और इस साल जो ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा मैं वो बीस लिखूंगा जो कि यह भी गलत है और इस साल जो कैपिटल लिखूंगा वो मैं कैपिटल लिखूंगा कितना लिखूंगा इस साल में कैपिटल दो चालीस ये भी गलत है समझो बस लिंक करना आप ना स्टोरी को लिंक करो क्या कहना चाह रहा हूं तो साहब अगर सही लिखता मैं तो यहां पे यह जो है ना वो आता हमारा पैंतीस क्योंकि ये होता हमारा पैंसठ पैंसठ में से तीस जाते तो बसते पैंतीस समझ रहे हो और ये पैंतीस होता तो यहां भी ऐड कितना होता 35. इसका मतलब हमारा जो कैपिटल होता वो टू फोर्ट थर्टी फाइव होता है ना यही होता अगर मैं इसके अंदर करेक्शन करने के लिए बोलूं तो सही मायने में ये होना चाहिए पंद्रह और ये होना चाहिए दो पैंतीस तो इसको ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं यहां मैं माइनस कर दू पांच हजार और यहां भी माइनस क्या कर दू तो दो ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा हो जाएगा यानी इन केस हमारा स्टॉक कभी भी क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कभी भी हमारा ओवर वैल्यूड हो ओवर वैल्यूड मतलब पंद्रह के जगह आपने बीस लिखा तो इसको बोलेंगे ओवर वैल्यूड तो उसके वजह से दो जगह इंपैक्ट पड़ जाता है कहां कहां पड़ता है एक तो करंट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में क्लोजिंग में नहीं करंट ईयर के ओपनिंग और करंट ईयर के कैपिटल में समझ में आ रही है बात आपको ये कब केस था हमारा ओवर वैल्यूड कब हो ओवर वैल्यूड तो आप देखिए यहां पे अगर ओवर वैल्यूड हुआ तो ओपनिंग स्टॉक में से माइनस हो जाएगा दूसरा कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा समझ में आया क्या करा मैंने और दूसरा एस्पेक्ट देखें अगर मैं चलो ये वाला समझ में आ गया इसको मैं हटा देता हूं अब मैं फिर से एक बार ना कम करके दिखा देता हूं मैं फिर से चेंजेस कर रहा हूं इसके अंदर आप बताना ये हमारी पहले वाली कहानी आगे रिपीट होके अब मैं इसके अंदर चेंजेस ये कर रहा हूं कि एक्चुअल में जो था ना वो जो था वो होना चाहिए था पच्चीस लेकिन आपने कितना लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है अंडर वैल्यूड अगर पच्चीस होता तो ये होता पिछहत्तर और ये पिछहत्तर होता तो ये होता और ये पैतालीस होता तो ये भी यहां पैंतालीस ही एड होता और ये भी पांच अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक था हमने बीस ले गए लेकिन होना एक्चुअल कितना चाहिए था तो अब मुझे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए पांच एड और यहाँ भी पांच तो देखिए अगर ये क्या है अंडर वैल्यूड तो अगर अंडर वैल्यूड का केस हुआ तो ओपनिंग स्टॉक में एड और कैपिटल में भी एड मैंने एग्जांपल के साथ बता दिया काफी बच्चों को ना समझ में नहीं आता सर ओपनिंग में एड था तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड लेकिन आप ओपनिंग में क्यों कर रहे हो क्योंकि सर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का तो अल्टीमेटली क्या बनना है ओपनिंग बनना है बिल्कुल जो बताया एडजस्टमेंट समझ में आ गया क्लियर है आगे चले एडजस्टमेंट पे चलो एक तरह से लास्ट एडजस्टमेंट कह सकते हो दैट इज आपका मैनेजर कमीशन ठीक है ये सबसे लास्ट एडजस्टमेंट है और चलो मैंने हालांकि पहले लिख दिया था लेकिन दोबारा बता देते हैं देखिए अगला एडजस्टमेंट है कमीशन टू मैनेजर अब जब कमीशन टू मैनेजर होगा ना तो कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज कमीशन होगा या फिर होगा आफ्टर चार्ज ठीक है अगर आपका बिफोर चार्ज कमीशन हुआ तो आपका फॉर्मूला होगा कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इन टू में अगर जो भी रेट दे रखा है रेट बटी में हंड्रेड लेकिन अगर आफ्टर चार्ज हुआ तो ऐसे सिचुएशन में फॉर्मूला लगाते हैं हम कमीशन इज इक्वल टू रेट सॉरी कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू में रेट डिवाइडेड बाय हंड्रेड प्लस में रेट ठीक है अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं सर ये है क्या देखिए देखिए जैसे आपके सामने मैंने एक पी एंडल बनाया ठीक है और मेरा जीपी दे दिया मैंने सपोज टेन थाउजेंड और इधर कुछ खर्चे हैं सपोज करो सैलरी दे दिया और सैलरी दे दिया मैंने एक हजार तो नाउ आपके पास ना यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो और आप नेट प्रॉफिट लिखना नहीं है कहीं बाहर निकाल लो आप नेट प्रॉफिट अब नेट प्रॉफिट जो आया दैट इज नौ आ गया है ना तो अगर बिफोर चार्ज हुआ इन केस मैं मान लेता हूं दस परसेंट रेट है अगर बिफोर चार्ज है बिफोर चार्ज टेन परसेंट रेट है तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में करोगे कमीशन इज इक्वल टू नाइन थाउजेंड इंटू मै टेन बाय हंड्रेड दैट इज नाइन हंड्रेड ठीक है अब ये नो हंड्रेड रुपीज कमीशन यहां दिखाओगे अब फाइनल प्रॉफिट अब निकालना होगा आपको फाइनल प्रॉफिट क्योंकि कमीशन भी एक प्रकार का खर्चा ही है और खर्चा है तो पी एनडल के डेबिट में होना चाहिए तो हम ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली लिख देंगे तो पहले निकालेंगे अब जो प्रॉफिट आएगा दैट इज हमारा एटी वन हंड्रेड ये वाला नेट प्रॉफिट माना जाएगा और ये नेट प्रॉफिट कहाँ एड ऑन हो जाएगा हमारे कैपिटल में एड हो जाएगा समझ रहे हो बात कहां ऐड हो जाएगा हमारा कैपिटल में जाके इसको ऐड कर देंगे ठीक है ये किसका था केस और इसके दो एंट्री होगा क्योंकि आपको पहले से ये कमीशन पता था या नहीं पता था नहीं पता था क्योंकि निकाला है और जब पहले से आपको नहीं पता था तो आपने पेमेंट भी नहीं किया होगा इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग भी रहा होगा तो ये एक दूसरे जगह चला जाएगा कहां पे सर लाइबिलिटी साइड में तो अगर बिफोर चार्ज वाला आपका केस बनता है तो आपने क्या करना है बिफोर चार्ज वाले केस के अंदर सिंपली आपको दो जगह जाएगा ये एंट्री कहाँ कहाँ जाना है आपका एक चला जाएगा हमारा पी एंड एल के डेबिट साइड में जैसे अभी मैंने दिखाया था आपको डेबिट साइड और दूसरा चला जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड ठीक है बताइए कोई दिक्कत अगर आफ्टर चार्ज हुआ मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं फिर से करता हूँ और आफ्टर चार्ज के केस में मैं बताता हूँ क्या होगा अगर ये आफ्टर चार्ज हुआ तो थोड़ा सा अमाउंट भी बदल लेते हैं ठीक है इसको हम कर लेते हैं एक लाख मतलब बारह हजार कर देते हैं करेक्ट ठीक है और ये सब भी चेंज हो गया फिर तो ये सब बदल गया ठीक है अगर आफ्टर चार्ज हुआ तो मैंने कहा टेन परसेंट कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज कमीशन ठीक है अब देखें यहां पे क्या करेंगे हम बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे आफ्टर चार्ज के अंदर सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट इंटरनली निकालिए यहाँ लिखना नहीं है तो 12 में से एक जाएगा तो कितने बचेंगे 11 तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है 11 है अब इस 11 के ऊपर कमीशन अप्लाई होगा दैट इज आपका ग्यारह हजार और आफ्टर चार्ज वाले केस में 10 परसेंट था तो 10 बटे एक हो जाएगा दैट इज आपका एक अब कमीशन फिर से आएगा एक अब नेट प्रॉफिट कितना आएगा सर दस हजार ये नेट प्रॉफिट कैपिटल का पार्ट होगा और ये कमीशन फिर से दो जगह चला जाएगा हमारा ठीक है यानी अगर हम देखें ये कमीशन दो जगह कहाँ जाएगा सर दो जगह जाएगा एक चला जाएगा मैंने यही करा है रेट बाय वन प्लस हंड्रेड एक चला जाएगा कहाँ पे हमारा एक चला जाएगा पी एंड एल के डेबिट साइड और एक चला जाएगा हमारा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड देखिए एक तरीके से लास्ट एडजस्टमेंट था लेकिन विदाउट जीएसटी ना कंप्लीट नहीं होगा जीएसटी तो करना पड़ेगा हमें उससे वो कमीशन ही नहीं होगा ये है मैनेजर कमीशन तो फिर परसेंटेज देगा क्यों वो सिर्फ ट्रायल बैलेंस में गिवन हो वो तो सिर्फ खर्चा है कमीशन वो पी एंडल के डेबिट में डाल देंगे बस नहीं ठीक है यहां तक तो कोई दिक्कत क्लियर है सारा यहां तक तो हमने कितने एडजस्टमेंट कर लिए एक बार इसको भी नोटिंग करिए पहले फटाफट से नोटिंग कर लीजिए जो आज करा है आज दो ही कराए ना ये करना है क्या आपने नोट ये हो गया है ना मैंने पीडीएफ भेज दिया था आपको इसको एग्जाम्पल नोट करना है डायरेक्ट यहीं से समझो यही कर लो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कितने नंबर है ये इक्कीस चलो एक बार नोट करो फिर हम आगे देखते हैं